Subscribe to SoundScribe and press notification bell for latest updates. Welcome to SoundScribe. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रॉलेंट ने अभी रिसेंटली SPD SX Pro का लेटेस्ट फर्मवेयर या हम बोल सकते हैं सिस्टम प्रोग्राम अपडेट किया है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 1.10। इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपने सिस्टम का प्रोग्राम जो है कैसे अपडेट करना है सेफली एंड सिक्योरली। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको पहले ही अपने सिस्टम का वर्जन चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए आपको पहले मेन्यू को बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपको जाना है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में आप चेक करेंगे कि सिस्टम इन्फो करके एक ऑप्शन होगी, उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये वर्जन दिखा देगा कि आपका वर्जन चल रहा है वो 1.02 है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको अपडेट करना है। तो चलिए इस लिंक को ओपन करते हैं, और लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप जो है उसको डाउनलोड कर सकें, एक्सेस कर सकें। डाउनलोड करने के लिए अब आप देखिए यहाँ पे एक जो पेज ओपन हुआ है, इसमें देखिए एक लिंक है SPD SX Pro सिस्टम प्रोग्राम वर्जन 1.10। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होगा, इसमें देखिए ऑलरेडी इन्होंने वैसे तो लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड द वर्जन और ब्ला ब्ला सब कुछ लिखा हुआ है, अपडेट हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा बग उन्होंने फ्री जो है फ्रीज किया है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब आप इस पे देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि आपको व्हाट यू नीड फॉर अपडेट। ठीक है, व्हाट यू नीड फॉर अपडेट में आपको चाहिए SPD Pro फ्लैश, एक फ्लैश ड्राइव जो कि फॉर्मेटेड हो FAT32। ये मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता रहा हूँ क्योंकि ये मोस्टली दिक्कत यही आती है कि अगर आप उसका जो फॉर्मेट है अगर FAT32 में अगर उसको फॉर्मेट नहीं करते हो तो वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, मेक श्योर कि जब भी आप SPD SX Pro या किसी भी ऑक्टोपैड का फर्मवेयर जब भी अपडेट करें तो उसकी जो पावर सप्लाई है वो किसी UPS के साथ ही अटैच्ड हो, बिकॉज अगर वो इंटरप्शन होगा कोई भी, पावर फेलियर हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया या स्विच ऑफ कर दिया आपने किसी भी केस में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि नेवर पावर ऑफ योर SPD। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ कि अगर पावर फेलियर हो गया तो आपको जो फर्मवेयर है वो अपडेट नहीं हो पाएगा और आपको इसको सर्विस सेंटर ले जाके ही अपडेट कराना होगा, तभी ये स्विच ऑन हो पाएगा, अदरवाइज स्विच ऑन नहीं होगा। सो मेक श्योर ये UPS के साथ ही अटैच्ड हो। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक करते हैं जल्दी से एग्री पे और डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड देखिए फाइल कर रखी है, जो भी zip फाइल है जो डाउनलोड आपने की है उसको अनजिप कर लेंगे और ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है। ये PDF को ओपन करते हैं। PDF में हालांकि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो फाइल है, इस फाइल को हम अपनी एक पेन ड्राइव में डाल देते हैं। पेन ड्राइव को डालने के लिए पहले पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद उस फाइल को हम उसमें सिर्फ उस फाइल को डालेंगे। तो देखिए इस फाइल जो मेरी पेन ड्राइव है उसमें ऑलरेडी डेटा है, तो मैं पहले तो इस जो मेरी पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट करता हूं। तो देखिए मेरी पेन ड्राइव एम्प्टी नहीं है, तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूं। फॉर्मेट करने के लिए
मेरी पेन ड्राइव फॉर्म जो है एम्प्टी नहीं है, मैं फॉर्मेट करने के लिए राइट बटन क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा। फॉर्मेट पे देखिए यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपके पास आएंगी, हो सकता है NTFS आया आ रहा हो और FAT32 और भी कोई ऑप्शन आ रही हो, तो आपको FAT32 ही सिलेक्ट करना है, मेक श्योर ठीक है ये मैं, और जो फाइल एलोकेट है इसको चेंज नहीं करना है ठीक है, और उसके बाद आपको इसको स्टार्ट कर देना, फॉर्मेट करना है, ओके करना है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि पेन ड्राइव आपको यहाँ पे फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप इस पेन ड्राइव को ऑक्टोपैड से भी, ऑक्टोपैड या SPDSX Pro से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मेट हो गई है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस फाइल को कॉपी करके मैं पेन ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए कोई फोल्डर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, जस्ट इसको पेस्ट करना है और ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। चलिए हो गई, फाइल मेरी अपलोड हो गई है। अब हम चलते हैं SPDSX Pro में इसको अपडेट करने के लिए। ओके, तो देखिए अभी भी वर्जन मेरा वही दिखा रहा है इसमें। ओके, मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। पेन ड्राइव लगाने के साथ ही, वैसे तो ये स्विच ऑफ साथ ही कर लेना चाहिए, पहले स्विच ऑफ होना चाहिए, बट मेरे केस में मैंने इसको बाद में स्विच ऑफ किया है ठीक है। ओके, पेन ड्राइव लगाने के बाद स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ करने के बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का जो क्लिक का स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन होता है उसको आपको होल्ड करके रखना है, पावर को ऑन करना है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है, इसको होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है और पावर ऑन कर देनी है। जैसे ही आप पावर ऑन करोगे तो ये सिस्टम आपको दिखाएगा अपडेटर करके दिखाएगा, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको, अपडेटर। आप देखिए इसमें जो बिन फाइल हमने डाली थी उसके कुछ, ये देखिए एस बिन फाइल का नाम बता रहा है, अब बता रहा है, फिर 1/4 बता रहा है। 1 का मतलब है कि उस जो फाइल है उसके अंदर 4 पैरामीटर हैं जो कि वो अपडेट कर रहा है, और पहले उससे 1 किया, फिर 2, फिर 3 एंड 4, अब जो चारों के चारों पैरामीटर अपडेट कर दिए, और उससे अब देखिए अपडेट करने के बाद बोला है प्लीज टर्न ऑफ द पावर ठीक है। तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ करके पेन ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। देखिए पेन ड्राइव मैंने रिमूव कर लिए, आपको कोई शंका ना रहे। ओके, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद जो है मेरा सिस्टम अपडेट हो गया है। अभी वर्जन चेक करते हैं इसका, वर्जन अपडेट जो हुआ है वो कौन सा हुआ है। वापस वैसे ही मेन्यू पे चलते हैं, सिस्टम एंड सिस्टम इन्फो, देखिए वर्जन हमारा लेटेस्ट वर्जन क्या हो गया, 1.10, पहले क्या था 1.02 ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, मेरे सारे जो भी पैचेस थे वो सारे के सारे आ गए वापस। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।